वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नन दोष दहन गुण गहन गन अरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साजित सहज स्वरस सुधार सदा समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुख का जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैंने मान बिन दान धन ऐन तन छीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते हो दंगल दूर सब तम ज्यों भानु द्यो। गुणस्थान विवेचन इस कृति के माध्यम से अपन यहाँ पर विगत दिनों से गुणस्थान के विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक हम यहाँ पर तीसरे गुणस्थान तक यह विषय समझ चुके हैं। पहला गुणस्थान माने मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान यानी सासाधन संयुक्त गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान अर्थात सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान जिसे हम मिश्र गुणस्थान भी कहते हैं, और अब हम उस गुणस्थान का स्वरूप समझने वाले हैं जिस गुणस्थान की प्राप्ति के लिए, और जिस गुणस्थान की प्राप्ति के लिए हम उद्यमवंत हैं और जिस गुणस्थान की प्राप्ति करने की हम हार्दिक भावना रखते हैं, वो है चौथा गुणस्थान अर्थात सम्यक्त गुणस्थान। मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि हम में से सभी लोगों को ये अंतरंग से परम श्रद्धान है कि अगर हमने इस भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की तो हमारा ये दुर्लभ मनुष्य भव सचमुच बर्बाद चला जाने वाला है। तो जिस सम्यक्त गुणस्थान की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, जिस सम्यक दर्शन के लिए हम और आप उद्यमवंत हैं, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने के बाद जीव की अंतरंग परिणति और बहिरंग परिणति करें तो कर्णानियों के अनुसार सम्यक दर्शन का कैसा स्वरूप है और सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं और उनकी अंतरंग अवस्था क्या होती है, ये सारा विषय हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अभी तक हम तीन गुणस्थानों को समझ चुके हैं, आज हम चौथे गुणस्थान को समझना शुरू करेंगे। आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 107, गुणस्थान विवेचन में पेज नंबर 107 निकाल लीजिए और यहाँ से हम पढ़ना शुरू। चलिए, अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में दर्शन मोहिनी कर्म का क्या निमित्तपना है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो ज्ञाता के पास जाएंगे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, तो वहां उत्तर मिलेगा कि
कि महापुरुषों जैसा आचरण जिए कीजिए। जैसे किया ना, जैसे रामचंद्र सम्यक दृष्टि जीव थे, मान्य से उत्तर को समझना चाहें तो वो हम कैसे समझेंगे? तो इस विषय को समझेंगे हम तो कर्णानुयोग कहेगा, अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी चतुष्क का उपशम क्षय या क्षय उपशम करना होगा, तभी सम्यक की प्राप्ति हो पाएगी। तो औपशमिक सम्यक होने पर क्या होता है, शैक्षणिक सम्यक होने पर क्या होता है और शाही सम्यक होने पर क्या होता है, ये आप जल्दी से सुन लीजिए सभी लोग। देखिए मैं आपको यह विषय पहले भी बता चुका हूं, हम उसे फिर से समझ लेंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अथवा प्राप्ति करने के लिए हम कहें अथवा प्राप्ति नहीं हो उसके लिए सात प्रकृतियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कितनी प्रकृतियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं? सात प्रकृतियां। कौन कौन सी? दर्शन मोहिनी की तीन, अब तो नाम याद हो गए होंगे आप सभी लोगों को, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और तीसरी कौन सी है? बहुत अच्छे, सम्यक प्रकृति। ठीक है, तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीन यह हो गए। और चार कौन है? अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। अगर इन सात प्रकृतियों का अभाव है तो सम्यक दर्शन होगा, और अगर इन सात प्रकृतियों का सद्भाव है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अब मैं आपको शॉर्ट बोलूं, सभी लोगों को शॉर्टली समझना, इन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम होने को औपशमिक सम्यक तो कहते हैं, इन्हीं सात प्रकृतियों के क्षयोपशम होने को क्षयोपशमिक सम्यक तो कहते हैं, इन्हीं सात प्रकृतियों के क्षय होने को क्षयिक सम्यक तो कहते हैं। इस प्रकार से औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक, ये तीन प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं। ये हमने स्थूल दृष्टि से समझा, अब देखिए इसको पढ़ेंगे तो और बारीकियों में अपन जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट, यदि जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, पेज नंबर है 107, 107 पॉइंट नंबर 1, यदि जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि हो तो दर्शन मोहनीय की तीन, दो या एक कर्म प्रकृति का और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क कर्म प्रकृति का इस तरह सात, छह अथवा पांच प्रकृतियों का उपशम रहता है। ये पांच, छह या सात क्यों बोला गया, ये विषय आपको समझ में आया? देखिए पांच तो क्यों बोला गया, पांच होंगे तो कौन कौन सी होंगी? अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोहनीय की एक, मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय। और अगर छह होंगी तो अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, और सात होंगे तो अनंतानुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब अनादि और सादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा भी समझिए, अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो पांच प्रकृतियों का होगा, ये नियम है, और अगर सादि मिथ्या दृष्टि है तो पांच, छह या सात, इन का भेद बनता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप लोग सुनना क्या कहा, अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो नियम से पांच प्रकृतियों का ये उपशम छह, छह उपशम माने आप उपशम की बात कर रहे हैं तो उपशम लिया जाएगा, और अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो पांच भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं और सात भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमें समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि जीव चायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क इस तरह छह कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशम अर्थात सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा सदावस्था रूप उपशम रहता है, और देशघाती सम्यक प्रकृति दर्शन मोनी कर्म का उदय रहता है। अब मुझे पता है ये थोड़ा सा कदाचित समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपको इस विषय को समझना हो
तो प्रश्नोत्तर वाले भाग में क्षयोपशम की परिभाषा दी गई है। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भविष्य है तथा उन्हीं का भविष्य में उदय आने योग्य सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय। कर्मों की जब ये तीन रूप अवस्था होती है ना, तब वह कहलाता है क्षयोपशम। तो क्षयोपशम एक समय तो कैसे होता है, तो सुनिए। अनंतानुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति जो देशघाती प्रकृति है उसका उदय। इस प्रकार की जब अवस्था होती है तो क्षयोपशमी सम्यक्त्व होता है। देखिए, इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क, मिथ्यात्व एवं सम्यक मिथ्यात्व, ये छह प्रकृतियां उदयावली में तो रहती हैं, परंतु उदय से एक समय पूर्व स्तिभुक संक्रमण द्वारा यथा योग्य अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होकर उदय में आती हैं। अभी नए वर्ड हैं, एक तो संक्रमण नया उदय वर्ड है और स्तिभुक संक्रमण ये भी नया। संक्रमण का मतलब होता है कन्वर्जन, कन्वर्ट होना। तो ये जो कर्म प्रकृतियां हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आपको और अच्छे से विषय समझना हो तो प्रश्नोत्तर वाले भाग में संक्रमण किसे कहते हैं ये प्रारंभ में ही आया है, ठीक है। और अगर आपको स्तिभुक संक्रमण जानना हो तो आप पेज नंबर 39 पर जान लीजिए, ठीक है। हमारे पास समय कम है इसलिए हम इन विषयों को टच नहीं करेंगे। अब देखते हैं शायिक सम्यक दृष्टि की अवस्था क्या होती है। यदि जीव शायिक सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्यात्वादी तीन दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का क्षय रहता है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं तो ये जो अनंतानुबंधी की चार और दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां हैं, इनका उपशम औपशमिक सम्यक्त्व है, इनका क्षयोपशम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है, इनका क्षय शायिक सम्यक्त्व है। समझ में आया? अब चौथे सम्यक्त गुणस्थान की क्या परिभाषा है और कैसा स्वरूप है उसको अपन गौमट सार के माध्यम से समझेंगे। पेज नंबर 108 पर आ जाइए। देखिए, एक बार गाथा पढ़ लेते हैं अपन। जो इंद्रिये सुविरतो णो जीवे थावरे तसे वापी, जो सद्हदिजड़ तम सम्मा इट्ठी अवरी दोसो। देखिए, जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों से और त्रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्व देश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। अब देखिए, यहाँ हम चौथा अविरत सम्यक्त गुणस्थान जो इसका नाम है ना, उसका क्या स्वरूप है वो अपन समझते हैं। तैयार हैं आप लोग? अभी वाला विषय आपको समझ में आया? नहीं भी आया हो ना तो भी अभी ये जो आगे वाला विषय है ना, वो सारा विषय आपको समझ में आने वाला है। देखिए, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है जल्दी से बताइए मुझे, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ, लिख के बताओ, बोल के बताओ, जैसे भी बताना बताइए। चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अविरत सम्यक्त्व। क्या नाम है चौथे गुणस्थान का नाम? अविरत सम्यक्त्व। अब आप सभी लोग ध्यान देना, दो शब्द हैं, कौन कौन से? अविरत और सम्यक्त्व, ठीक है। दो शब्द समझ में आ रहे हैं ना? आप लोगों को याद है हमने पहले गुणस्थान की चर्चा करते वक्त मिथ्यात्व का अर्थ समझा था, याद है? मिथ्यात्व शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वहां मैंने आपको बताया था मिथ्यात्व शब्द का मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों से लेना है। अब यहाँ क्या शब्द है? सम्यक्त्व। मिथ्या का मतलब होता है गलत और सम्यक का मतलब होता है सही, और सम्यक्त्व लग करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ठीक है। सम्यक्त्व का मतलब समझ में आया। अब हम समझेंगे अविरत का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा ना, इन्होंने, ये ज्ञानी जीव है, इन्होंने व्रत लिए हैं, ये व्रती हैं,
मुनिराज ने महा व्रत धारण किए हैं, ये श्रावक हैं, इन्होंने श्रावक के अणु व्रत धारण किए हैं, ये सुना ना कि ये विरत हैं। ऐसे ही व्रतों को बोलते हैं विरत। क्या कहा, क्या कहा? व्रतों को बोलते हैं विरत, और व्रतों के नहीं होने को क्या बोलते हैं? अविरत। समझ में आ रहा है? बहुत आसान से विषय है। अगर कोई जीव व्रती है, व्रतों का पालन करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विरत। और अगर जीवन में व्रत नहीं है तो क्या कहेंगे? अविरत। अच्छा पंडित जी, तो कौन कौन से व्रत होते हैं? सुनिए, जिनागम में दो ही व्रत कहे गए हैं। कौन कौन से? एक रवि व्रत और एक सोम व्रत। क्यों, यही व्रत होते होंगे? एक दिन रविवार के दिन हमने कर लिया तो रवि व्रत हो गया, सोमवार के दिन हमने कर लिया तो सोम व्रत हो गया। और वो करवा चौथ वाला, उन्हीं की बात चल रही है क्या? है उम्र बढ़ाओ अभियान वाला, तो यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ कोई रवि व्रत की बात नहीं चल रही है, ना करवा चौथ की बात चल रही है। तो फिर कौन से व्रतों की बात चल रही है? सुनिए, जिनागम में दो ही व्रत कहे हैं, और अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। क्या कहा? दो ही व्रत हैं, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। हिंसा आदि का पूर्णता त्याग करना वह महाव्रत है, और हिंसा आदि का एक देश त्याग करना वह अणुव्रत है। समझ में आया? ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सभी से लेना है। अब देखिए, अविरत का मतलब होता है विरक्त नहीं है, व्रत नहीं है, संयम नहीं है। और संयम, संयम दो प्रकार का होता है, ये धर्म के 10 लक्षण में आपने विद्वानों के मुख से सुना होगा, उत्तम संयम के दिन, और आपको ध्यानत्राय जी की पूजन भी याद होगी सभी लोगों को, काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समान विषय चोर बहु फिरत हैं। याद है? अब तो सबको याद आ गई होगी, आप सभी लोगों को ध्यानत रह जी के पूजन, काय छो प्रतिपाल, षट काय के जीवों की हिंसा का त्याग करो, और क्या करो? पंचेंद्रिय मन वश करो। पांच इंद्रिय और एक मन, 12 प्रकार का संयम होता है। षटकाय की जीवों की हिंसा का त्याग, 6 तो ये हो गए, 5 स्थावर और 1 त्रस्त, ठीक है, और पंच इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग करना, इस प्रकार से 12 प्रकार का संयम होता है। जो जीव त्रस और स्थावर हिंसा का ना एक देश त्यागी है, ना सर्वदेश त्यागी है, ना 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्यागी है, लेकिन फिर भी सम्यक तो सहित है। क्या कहा जा रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो 5 इंद्रिय और मन के विषयों का, और त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का ना एक देश त्याग हो, मतलब ना अणुव्रत हो, ना सर्वदेश त्याग हो, मतलब ना महाव्रत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अविरत। इन शॉर्ट में आपसे बोलूं तो असंयमी जीव को अविरत कहते हैं। क्या कहा? क्या अविरत का मतलब क्या है? असंयम है, ठीक है, बाकी आगे आगे और स्पष्टीकरण आएगा तो हम समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो परिणाम, परिभाषा पे आइए, देखिए, जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो, ठीक है, सम्यक दर्शन से, तो क्या सम्यक दर्शन माने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों ही आएंगे। जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो, परंतु इंद्रिय विषयों से, 5 इंद्रियां और उनके विषय, ठीक है, जैसे चक्षु इंद्रिय है, और चक्षु इंद्रिय का विषय है देखना, ये स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय का है टच करना, तो ऐसे 5 इंद्रिय और उनके विषयों से, और त्रस और स्थावर की हिंसा से,
अविरत हो, अविरत अर्थात एक देश या सर्व देश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक गुणस्थान कहते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? देखिए यहाँ चौथे गुणस्थान में सम्यक के घातक कर्मों का उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम हो गया है। नेहा जी कह रही है प्लीज रिपीट। नेहा जी आप क्या रिपीट करवाना चाहते हैं? जल्दी से बताइए अगर आपको जो विषय समझ में नहीं आया हो। आप क्या रिपीट कराना चाहते हैं, क्या समझ नहीं आया आपको? त्रस इंद्रिय, त्रस इंद्रिय तो कोई इंद्रिय नहीं है, त्रस अलग है और इंद्रियां अलग है। कोई बात नहीं, मैं आपका भाव समझता हूँ, लेकिन स्थावर इंद्रिय का ठीक है बराबर। त्रस और स्थावर ये सारे बालबोध की चीजें हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ त्रस और स्थावर क्या होता है। एक इंद्रिय जीव जो होते हैं ना उन्हें बोलते हैं स्थावर, जैसे जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, ये सब क्या है? स्थावर है। और दो इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय तक लेकर के जितने भी जीव हैं उन्हें बोलते हैं त्रस। हम और आप क्या हैं? त्रस। ठीक है, मक्खी मच्छर लठ पिपील ये सब क्या है? त्रस कहलाते हैं। और ये जो एक इंद्रिय है ना, पेड़ पौधे वनस्पति का एक जीव, पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, वे सब क्या कहलाते हैं? स्थावर। आ गया आपको समझ में? तो इन्हें बोलते हैं त्रस और इन्हें कहते हैं स्थावर। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन के साथ जहाँ शुभ राग अथवा पुण्य परिणाम के विषय सच्चे देव शास्त्र तथा गुरु होते हैं, उसे ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहा? कि भाई निश्चय सम्यक दर्शन हो ना, तो निश्चय सम्यक दर्शन के साथ साथ जो सच्चे देव की भक्ति होती है, शास्त्र के प्रति भक्ति होती है, गुरुओं के प्रति भक्ति होती है, और उनकी भक्ति करने का जो राग होता है, भक्ति कहना, राग कहना, शुभ राग कहना, एक ही बात है, उसे क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन। अच्छा पंडित जी उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग सुबह देव भक्ति कर लेते हैं, शास्त्र भक्ति कर लेते हैं, गुरु भक्ति तो हम है ही माहिर, उससे तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप हमें तो हो गई देव शास्त्र गुरु की भक्ति, हम तो हम हमें माने व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो गया। आप लोग पता है इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को भ्रम से सम्यक दृष्टि मान के घूम रहे हैं, और अपने आप को ये मानते हैं। अपने ही जैन समाज में ऐसे कई भोले जीव, मैं तो भोला कहूंगा उनको, ऐसे भोले जीव हैं जो अपने आप को देव का श्रद्धान, देव का श्रद्धान, तो पंडित जी मंदिर जाते हैं, अब खुल गए, अब तो हम जान लगे देव की भक्ति हो गई, माँ हमने जिनवाणी की भेद बना रखी, तो हम नमस्कार कर लेते हैं, शास्त्र की भक्ति हो गई। और जब भी कोई मुनिराज आते हैं नगर में, तब तो हम आहार करा देते हैं विधि से और वैयावृत्ति कर देते हैं, गुरु की भक्ति हो गई ना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो गया। अब तुम निश्चय वालों बताओ वो कहते हो ये तो। अरे भैया आप जानते हैं क्या ये बात कि निश्चय सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और निश्चय सम्यक दर्शन के बिना जो व्यवहार होता है ना, उसे मैं अगर टोडरमल जी की भाषा में कहूं तो वो व्यवहार नहीं होता, व्यवहाराभास होता है। आप सभी लोगों ने जिन्होंने मोक्ष में प्रकाश पढ़ा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा कि व्यवहाराभास क्या है। आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा। बिना निश्चय सम्यक दर्शन के आपको जो व्यवहार, आप कह रहे हैं ना कि हमें व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, ये एक्चुअल में आपको व्यवहार का आभास हुआ है, व्यवहार नहीं हुआ। देखिए आगे बढ़ते हैं। चौथे गुणस्थान से ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ होता है। किस गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है? चौथे से। सुनना एक बार ध्यान देना, हर चौथे वाले को होता हो ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको होता हो वो चौथे से कर सकते हैं ऐसा। तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कार्य कोई जीव निश्चय सम्यक दर्शन के अभाव में कैसे कर सकता है? आपको पता है कई लोग ऐसे भी भ्रम पैदा करते हैं कि चौथे गुणस्थान में निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता, निश्चय सम्यक दर्शन तो आगे के गुणस्थानों में होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? भाई शास्त्रों में यह कहा गया है
चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का बंध होता है। जरा विचार कीजिए, इतनी सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, उसका बंध बिना सम्यक दर्शन के और बिना निश्चय सम्यक दर्शन के कैसे संभव होगा? क्या मात्र लौकिक देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने से ये सारी चीजें हो जाएंगी? इसीलिए देखिए यहाँ कह रहे हैं, तो फिर हमें फिर निश्चय करना है कि व्यवहार करना है, हमें ये बताना। बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो भाई, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। देखिए, साधक के जीवन में व्यवहार अर्थात व्यवहाराभास के साथ निश्चय हो भी सकता है और नहीं भी हो, ऐसा भी संभव है। माने आप देवशास गुरु की भक्ति कर रहे हैं, देखिए ठीक है, प्रीति जी आपको ऐड कर लिया जाएगा। देखिए अभी हम यहां समझते हैं, हम क्या विषय पढ़ रहे हैं, व्यवहार हो तो उसके साथ निश्चय हो और नहीं भी हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। कैसा? जैसे समझिए, लौकिक में देवशास्त्र गुरु की भक्ति है, ठीक है, 28 28 नहीं, 8 मूल गुणों का पालन है, 7 व्यसनों का त्याग है, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग है, ठीक है। टोडामल जी तो क्या कहेंगे, इतना किया तो शाबाश, वेल डन। टोडामल जी तो कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं कि इतना किया तो वेल डन, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि अगर ये हो जाए तो हमें निश्चय सम्यक दर्शन ना भी हो, ऐसा भी संभव है। निश्चय सम्यक दर्शन मतलब क्या है? आत्मद्रव्य की प्रतीति, आत्मद्रव्य का श्रद्धान, मैं आत्मा हूं, 7 तत्वों का श्रद्धान। नहीं भी हो यह भी संभव है, ठीक है, लेकिन जिसे आत्म तत्व की प्रतीति होती है उसे व्यवहार में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही होता है, 8 मूल गुणों का पालन होता ही होता है, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग, 7 व्यसनों का त्याग होता ही होता है, नियम से जानना। तो ऐसा तो संभव है कि बाह्य में व्यवहार हो और अंतरंग का निश्चय नहीं हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि निश्चय अंतरंग में प्रकट हो गया और व्यवहार से भ्रष्ट हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। देखिए यहाँ यही कहा जा रहा है, साधक के जीवन में व्यवहार के साथ निश्चय हो भी सकता है और नहीं भी हो, ऐसा भी संभव है, पर निश्चय के साथ साधक को व्यवहार अर्थात यथार्थ व्यवहार तो नियम से होता ही है। ऐसा ही वस्तु स्वरूप सर्वज्ञ भगवान के प्रतिपादित आगम में वर्णित है। अब देखिए टोडम जी ने कितनी सुंदर बात कही, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का नाम सुना आप लोगों ने, टोडमल जी ने मुल्तान वासियों के लिए उनके प्रश्नों के आंसर के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसका नाम क्या है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। ये नाम टोडमल जी ने नहीं दिया, ये तो बाद में लोगों ने, इतने आश्चर्यकारी विषय इसमें आया तो फिर इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी ये नाम दिया। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी आप सभी के पास मोक्षमा प्रकाशक होगा, उसके एंड में दी गई है, पेज नंबर 34 344 पर। क्या कहा टोडामल जी ने, चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान शायक सम्यक दर्शन हो जाता है। चौथे गुण स्थान में सिद्ध परमेश जी जैसा, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, जैसे उन अशरीरी सिद्ध भगवानों के शायिक सम्यक दर्शन है ना, वैसा सम्यक दर्शन, वैसे सम्यक की प्राप्ति, वैसे श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन शायिक सम्यक रूप चौथे गुण स्थान वाले को भी हो जाता है। देखिए, अतः आगम अनुसार सर्व कथन यथार्थ होना चाहिए। चौथे गुण स्थान में मात्र एक कषाय चौपली का ही अभाव है, कौन सी कषाय? चलो मैं तो भूल गया, अब आप लोग बताओ, है ना, मैं थक, है ना, अब आप लोग मुझे पढ़ा, थका नहीं, वो तो मैं ऐसे कहने के लिए कह, चौथे गुण स्थान में मात्र एक कषाय चौपड़ी का अभाव हो गया, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो एक कषाय चौपड़ी कौन सी है, जरा बताना आप लोग, मैं भूल गया। बहुत अच्छे,
रिंजू जी ने हमें बताया कि वह अनंतानुबंधी, और आप सभी लोग भी ओरली बोल रहे हैं, तो थैंक यू आप सभी लोगों को, आपने मुझे बता दिया कि वो एक कषाय चौकड़ी कौन सी है, अनंतानुबंधी। इसका मतलब चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चतुष्क का अभाव हो गया। एक बेसिक फंडा आप लोग समझिए, कषाय क्या करती हैं, राग द्वेष उत्पन्न करती हैं, ठीक है, और जैसी कषायों का अभाव होता जाएगा ना, उतनी उतनी वितरागता आती जाएगी, जितनी जितनी कषाय जाती जाएगी उतनी उतनी वितरागता आती जाएगी। समझ में आ रहा है, बेसिक फंडा समझेंगे, जैसे अनंतानुबंधी गई तो वितरागता आई, फिर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान गई और वितरागता बढ़ी, फिर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान गई तो और वितरागता बढ़ी, जैसे जैसे कषाय घटती जाती है वैसे वैसे वितरागता बढ़ती जाती है। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चतुष्क का अभाव हुआ है, इसलिए उतनी वितरागता उतना चारित्र तो चौथे गुणस्थान बढ़ती तो है ही, लेकिन ना तो दो कषाय चौकड़ी का भाव है और ना अणुव्रतों का ग्रहण रूप राग भाव है, अर्थात पुण्य परिणाम है। अतः चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव रति है। अब हम देखिए, बहुत अच्छा विषय आने वाला है, अविरति का स्पष्टीकरण। चौथे गुणस्थानवर्ती कैसा होता है, अविरति होता है। आपको पता है हमारे ही समाज में कुछ लोग अविरति का मतलब क्या समझते हैं, माने अविरति का मतलब भ्रष्ट। सम्यक दृष्टि जीव अविरति होता है, भ्रष्ट नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव अविरति होता है, स्वच्छंदी नहीं होता, ये आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, माने पेन पेपर लेके नहीं, दिमाग में नोट डाउन कर लो, पेन पेपर का लिखा हुआ तो एक दिन भूल जाएंगे हम, लेकिन एक बार हृदय में विषय समझ में आ जाएगा ना तो हमेशा याद रहेगा। नेहा जी बोल रही है स्वच्छंदी का मतलब क्या है, स्वच्छंदी का मतलब होता है वे जीव जो मन चाहा प्रवर्तन करते हैं, जब चाहा खा लिया, जो चाहा खा लिया, जैसे चाहे खा लिया, पी लिया, ओढ़ लिया, पहन लिया, चल लिए, जिसको चाहे नमस्कार कर लिया, जब चाहे सो लिए, जब चाहे उठ, मतलब स्वच्छंद खुला पशुओं की तरह प्रवर्तन करना। चौथे अविरत सम्यक दृष्टि गुण, मैंने चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को अविरति कहा है और हमें लगता है कि भ्रष्ट कहा है। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, अरे पंडित जी चौथे गुणस्थानवर्ती तो अविरति है ना, तो हम तो खाने क्या फर्क पड़ता है, अविरति तो है ही, हमें अपन को कौन सा त्याग है, हमने कौन सा त्याग किया। आपको पता है आपने त्याग किया और नहीं किया अलग बात हो, अभी आपकी सम्यक दर्शन की पात्रता तक नहीं है, सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है। मन चाहा प्रवर्तन चल रहा हो, मन चाहा स्वच्छंद वृत्ति चल रही हो आचरण में, जो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को नहीं होती है, और उसे करके हम अपने आप को ये माने कि हमारा तो चौथा गुणस्थान है, हम जो चाहे भाव कर रहे हैं, जो चाहे खा रहे हैं, जैसे चाहे खा रहे हैं, जब मन में आए सो कर रहे हैं, और अपने आप को समझे, अरे पंडित जी चौथे गुणस्थानवर्ती तो अविरति होता है, अपन भी अविरति ही है, तो चौथा गुणस्थान तो आपको नियम से लिख लो कि है ही नहीं, लेकिन चौथे गुणस्थान को प्राप्त करने की जो चित्त की भूमि होनी चाहिए ना, जो भूमि होनी चाहिए ना, वो तक अभी प्राप्त नहीं। इसीलिए अविरति का मतलब भ्रष्ट नहीं होता। मैं फिर से बार बार, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों आप एक बात को बार बार कह रहे हैं, क्यों उसे बार बार, क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकली देखा है ना ऐसा भ्रम पालते हुए, इसलिए ये मेरी हृदय की पीड़ा है, इसलिए मैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। लोग अविरति का मतलब भ्रष्ट लेते हैं, बहुत बुरा लगता है। लोग भाई अविरति का मतलब ये है कि उसके ना अणुव्रत है ना महाव्रत है, लेकिन फिर भी उसको देहशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्याग है, अष्ट मूल गुणों का पालन है, सात व्यसनों का, ये नहीं कि वो जुआ खेलने बैठ जाता है, ये नहीं कि वो शिकार खेलने बैठ जाता है, परस्त्री सेवन करता है, परस्त्री सेवन के भाव कर, ऐसा नहीं होता कि परस्त्री सेवन पर पुरुष सेवन के भाव चल रहे हो, अभी तो व्यसनों का त्याग नहीं है। कई बार मुझे, अब मैंने छेड़ दिया तो मैं एक बात बोल ही देता हूँ, कहते कहते हैं परस्त्री सेवन खूब,
जैसे कि हमारे आजकल समाज में चलते हैं, खूब लोग उन्हें देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं जिसमें जेठालाल बबीता जी के पीछे घूम लगे हैं, खूब आनंद से देखते हैं, आंखों जैसे देखते हैं। आपको आवाज आ रही, मैंने क्या कहा? नहीं है? अब आ रही है? अभी आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है? अच्छा, अब आ रही है कि अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है? अब सही है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है हम सीरियल देखते हैं, जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन हम ऐसे सीरियल्स को अच्छा मानते हैं जहां सामने पर स्त्री सेवन को बताया जा रहा। पर स्त्री सेवन नहीं, मैंने जैसे मैं एक बहुत फेमस सीरियल का नाम बोलता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना? इसे बहुत बच्चे भी देखते हैं, आपके घरों के बच्चे देखते हैं, और आपके सामने वो देखते हैं कि हमारे जेठालाल जी बबीता जी के पीछे पड़े हुए हैं। आप भी आराम से देखते हो, बच्चों भी आराम से देखते हैं, आपको नहीं लगता कि उसमें क्या संस्कार जा रहे हैं? एक बात बताओ, कल को हमारे ही घर का कोई पुरुष किसी स्त्री को ऐसे पीछे पड़े, तो बच्चा तो यही कहेगा, मम्मा क्या हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे जेठालाल जी भी तो बबीता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, पापा ने भी कर दिया तो क्या हो गया? सोचिए, मुझे पता है कि आप लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन ये हंसी का विषय तो नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि किसी सीरियल का नाम नहीं लेना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं तो सिर्फ उसको समझाने के भाव से कह रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी, भाभी जी घर पर हैं, जीजा जी छत पर हैं, ये सब क्या सीख रहे हैं बच्चे ने देख देख के? सोचिए, साक्षात दिखाई दे रहा है कि एक पुरुष दूसरी महिला पे, एक पुरुष इस महिला पे, और डोरे डाल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, सोचिए, विचार कीजिए। और आपको ये कैसे अच्छे लग जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ। ठीक है, अब मैंने थोड़ी सी बात बोल दी, हालांकि वो पर स्त्री सेवन और पर पुरुष सेवन के सामने हम देखते रहते हैं, हालांकि उसमें सेवन नहीं है, लेकिन सेवन करने संबंधी जो कुचेष्टाएं हैं उसका त्याग तो होना ही चाहिए। ये चेष्टाएं भी उचित बिल्कुल रूप से नहीं ठहराई जा सकती। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ अपने पॉइंट पर। तो मैं तो आपसे ये कह रहा था, सम्यक दृष्टि जीव अविरति होता है, ऐसा भ्रष्ट नहीं होता। ये हमें समझना होगा, ये हमें स्वीकार करना होगा। देखिए, अविरति का स्पष्टीकरण, पंच इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति और षटकाय जीवों की हिंसा से अविरति, ये अविरति के 12 भेद हैं। अविरति के कितने भेद हैं? 12। संयम के कितने भेद हैं? 12। और उसके अपोजिट असंयम के कितने भेद हैं? वो भी 12। बेसिक सी बात है, ठीक है? संयम 12 प्रकार का है, तो उसके अपोजिट असंयम भी कितने प्रकार का हो गया? 12 प्रकार का हो गया। उपर्युक्त तो अविरति का किंचित भी त्याग इन जीवों को नहीं होता, परंतु अविरति में प्रवृत्ति हे बुद्धि से रहती है। सुनो भाई, यद्यपि उसके त्याग नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना सेवन चलता है ना, वो हे बुद्धि से चलता है। और हमारा हमारा तो उपादेय बुद्धि, इतना तो खा ही सकते हैं ना, तो दबा के खाओ, दबा के खाइए, लेकिन सुख है ऐसा मान करके नहीं खाइए। सम्यक दृष्टि जीव विषयों का सेवन तो करता है, लेकिन हे बुद्धि से करता है। और हम लोगों को सम्यक दर्शन भी चाहिए तो क्यों चाहिए? कई, आपको पता है, मुझे ऐसे लोग भी मिले, पंडित जी हमें तो सम्यक दर्शन करना है। क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना, हमने रत्नकंठ श्राकाचार का स्वाध्याय किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि जीव ही चक्रवर्ती बनता है, सम्यक दृष्टि जीव ही इंद्र बनता है, सम्यक दृष्टि जीव को ही बड़ी बड़ी विभूतियां मिलती हैं, तो सारी लौकिक अनुकूलताएं किसे मिलती हैं? आप सम्यक दृष्टि को मिलती है बड़ी बड़ी उपाधियां भी, तो हमें भी क्या करना है? सम्यक दर्शन करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये बड़ी बड़ी उपाधियां चाहिए ना। तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी भोगों के कारण, तो इसका मतलब आपको भोगों में रुचि है। जिसे भोगों में रुचि है उसे आत्मा में रुचि नहीं हो सकती, और उसे सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए पहली शर्त यह है कि भोगों के प्रति अरुचि होना चाहिए। देखिए और क्या होता है,
स्पर्शन आदि पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग होता है ना, माने त्याग नहीं होता है, और जितना सेवन भी होता है वो भी न्याय और नीति का होता है। ऐसे ही पांच स्थावर त्रस्त जीवों का, इन सबका ऐसा ऐसा स्वरूप है, इसे आप पढ़ लेना, मैंने आपको ओरली समझा दिया। आप देखो, मैं एक अंतिम पैराग्राफ पढ़ता हूँ, नीचे देखिए सबसे लास्ट में, देखो परिणामों की विचित्रता। मिला आप लोगों को? इसे पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन हो गया है, बीच बीच में यथा योग्य काल अवधि व्यतीत होने पर आत्मानुभव भी होता है, ग्रहित तथा अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव तो हो ही गया। अनंतानुबंधी कषाय चौपड़ी के अनुदय पूर्वक आंशिक वीतरागता प्रकट हो गई। ये सब हम समझ चुके हैं, वीतरागता वाला विषय। जीवन अन्याय अनीति और अभक्ष्य से रहित है, अनंत संसार को शांत कर दिया है। शांत कर दिया मैंने अंत सहित कर लिया है, क्योंकि अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली तो उसके अनंत संसार नहीं हो सकता। तो अनंत संसार को सीमित कर दिया, क्योंकि अनंत संसार का कारण कौन सी कषाय है, मैंने आपको बताया है। बहुत बढ़िया, अनंतानुबंधी। अनंत संसार का कारण है अनंतानुबंधी, और चौथे गुण स्थान में उस अनंतानुबंधी कषाय का अभाव कर दिया, इसलिए अनंत संसार नहीं होता। तथापि 12 प्रकार की अविरति होते हुए भी मोक्ष की साधना करने वाले साधक के पुरुषार्थ की कमी से यह जीव इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के कारण अविरति ही है। तो इस प्रकार से अविरत और सम्यक्त्व, इस शब्द का क्या मतलब होता है वो हमने आज की कक्षा में यहाँ पर समझा। अब आपको आज की कक्षा संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, समय तो अपना हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। पूछ लीजिए कोई प्रश्न हो आप लोगों को। हाँ रुचि जी बताइए। रुचि जी गाजियाबाद, बोलिए बोलिए प्रश्न। जैसने भैया, जय अनाद जय मिथ्या दृष्टि को भी, अनाद मिथ्या दृष्टि को भी जैसे पांच कषाय का वो होता है, एक मिथ्या तो अनंतानुबंधी, तो उनके छह हो सकता है या उपशमी होगा? उपशमी होगा, उपशमी, ठीक है, अनादि सही, मिथ्या दृष्टि को उपशमी होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये जय, प्रश्न जो जिसने भी लिखा था वो मुझे पढ़ने में नहीं आया, आप ओरली पूछ लीजिए। सुनीता जी, कैसे लोग, हाँ भैया, ये जो आपने बताया, आपकी आवाज नहीं शास्त्रीय आई। समय में कि शायद चतुष्क अप्रशस्त भैया, अप्रशस्त उपशम, क्या कह रहे हैं? अप्रशस्त उपशम पूछना था। हाँ, प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम, बहुत अच्छा। ये आप प्रश्नोत्तर वाले भाग में जाएंगे। देखिए पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 और प्रश्न नंबर 23, 22 और 23 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे तो वहां आपको प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम समझ में आ जाएगा। अप्रशस्त उपशम आप मात्र अगर आप समझें तो जो तीन करण के बिना, अधःकरण अपूर्व करण अनवृत्ति करण के बिना जो अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन होता है, दबना होता है, उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं, और जो तीन करण पूर्वक दबना होता है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। दर्शन मोनिय का, तो दर्शन मोनिय का तीन करण पूर्वक उपशमन होना वह प्रशस्त उपशम है, और बिना त्रिकरण परिणाम के अनंतानुबंधी का स्वयमेव उपशमन हो जाना उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। बाकी आप लोग और पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया और क्लियर हो जाएगा। हाँ नेहा जी बोलिए।
भैया ये 107 पे सेकंड पॉइंट है ना, सर्व भारतीय स्पर्धकों का उदर भार भी छह और सर्व उपशम रहता है, ये बताइए। आपकी आवाज बहुत वो आ रही है। हेलो आवाज, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बहुत डिस्टर्बिंग है आपकी आवाज। आवाज डिस्टर्ब क्यों रही है? इको इको बहुत आ रहा है आपके माइक्रोफोन में। अनम्यूट है, अनम्यूट, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट हो गया। हाँ अनम्यूट नहीं हो रहा है। एक बार अभी अतुल जी भाई साहब कर देंगे। हाँ बोलिए। आपके दो फोन है क्या एक साथ? चलिए तब तो कोई और प्रश्न पूछ लीजिए, किसी और को कोई पूछना है। हाँ रुचि जी बोलिए। भैया जो आपने प्रशस्त उपशम बताया, तो तीन करण के साथ ही उपशम होता है, बिना तीन करण के तो उपशम होता ही नहीं है। जब तीन करण में अनुवृत्ति करण भी पूरा होता है तभी इनका उपशम होता है। तो वो जो उपशम होता है ना वो दर्शन मोनी के लिए होता है। अच्छा, अरिंदानुबंधी का स्वयं में वो उपशम हो जाता है बिना त्रिकरण प्रणाम के बिना। दर्शन ऐसे स्वयं में अपने आप ही। हाँ लेकिन जब दर्शन मोनी का उपशम होता है ना तब उसके बिना त्रिकरण के बिना अरिंदानुबंधी का स्वयं में उपशम होता है। माने अनंतानुबंधी के उपशमन करने के लिए अलग से त्रिकरण प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती। आप एक बार इस विषय को पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ नहीं पढ़ा था तो ये बताया था तीन करण बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। तीन करण जब तैयारी करता है ना अनुवृत्ति करण में पहुंचता है। हाँ तो ये हम तो हम तो आप गलत। हाँ समझ गया मैं, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए सम्यक दर्शन से पहले दर्शन मोनी का और अनंतानुबंधी का उपशम होगा करेक्ट, तो वो जो त्रिकरण के बिना नहीं होगा ये भी बात सही है। लेकिन वो जो त्रिकरण परिणाम हुए ना वो दर्शन मोनी का उपशम हो गया। जब दर्शन मोनी का उपशम हो गया ना तो चारित्र मोनी दर्शन मोनी का उपशमन देख के अपने आप उपशमित हो जाती है। उसके उपशमन करने के लिए अलग से त्रिकरण परिणाम की आवश्यकता नहीं होती। बात बस अच्छी सी है। ठीक है ठीक है ओके। हाँ नेहा जी आप बोल रहे सेकंड पॉइंट, तो किसका सेकंड पॉइंट? अच्छा ये जो शुरू में दिए गए हैं वो। चलिए नेहा जी को के लिए हम सेकंड पॉइंट। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। सबसे पहले स्पर्धक सुना होगा, फिर ये सर्वघाती स्पर्धक क्या होता है, देशघाती स्पर्धक क्या होता है, ये सारे विषय थोड़े अलग विषय हैं। देखिए आठ कर्मों की प्रकृतियां होती हैं ठीक है, उनमें से सर्वघाती और देशघाती या घातिया कर्मों में सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां इस प्रकार से भेद होता है। आपको अगर विशेष पढ़ना हो ना इनके बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं इतना ये थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगती हैं और इतना अपने पास समय नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। आप पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर सकते हैं अथवा 52 से भी शुरू करते हैं। पेज नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर है 52, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि सर्वघाती कर्म क्या होता है, सर्वघाती प्रकृतियां कौन सी होती हैं। फिर आप देखना, फिर आप पढ़ना 59 नंबर का प्रश्न कि स्पर्धक किसे कहते हैं, सर्वघाती प्रकृतियों में कौन से स्पर्धक होते हैं।
तो अभी आप इतना समझिए, घातीय कर्मों में सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां, इस प्रकार का विभाजन होता है। सर्वघाती प्रकृतियों में सारे स्पर्धक जो होते हैं वो नियम से सर्वघाती रूपी होते हैं, परंतु देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। स्पर्धक मतलब परमाणुओं की फॉर्मेशन, परमाणु जो इकट्ठे होते जाते हैं ना, परमाणु इकट्ठे होते हैं तो उनका समान वर्ग बनता है, समान वर्ग से वर्गणा बनती है, समान वर्गणाओं से स्पर्धक बनते हैं। ये मैं आपको सब जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ। तो परमाणु जब बनते हैं तो उनसे वर्ग, फिर वर्गणा, फिर उनसे स्पर्धक बनते हैं, फिर स्पर्धक में भी देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के स्पर्धक होते हैं। तो जब क्षयोपशम होता है ना किसी भी, जैसे ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, तो ज्ञानावरण में हमें और आपको किसका क्षयोपशम है, मति ज्ञान का और श्रुत ज्ञान का, ठीक है। तो अभी कैसी स्थिति है, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, और इस देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक दोनों ही प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का होता है उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, और मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का होता है उदय। तो जब ये तीन अवस्था होती है ना, तब जाकर के हमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम हो पाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन में भी लगाना है। सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी चतुष्क, ये सर्वघाती, ठीक है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, और सम्यक प्रकृति जो देशघाती प्रकृति है उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, इस प्रकार की जो अवस्था बनती है उसे बोलते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। आप ये प्रश्न पढ़ना, थोड़ा ये भी पढ़ना कि उदयाभावी क्षय क्या होता है, सदवस्था रूप उपशम क्या होता है, पेज नंबर 39 पर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर आप देखना, 48 नंबर का प्रश्न पढ़िए, 49 नंबर का प्रश्न पढ़िए और 50 नंबर का प्रश्न पढ़िए। आप यहाँ से पढ़ेंगे ना तो आपको सारा विषय समझ में आएगा। 48 नंबर से लेकर के आप 60 नंबर तक पढ़िए। हाँ, कषाय चौकली का डिटेल, अगर आपको कषाय चौकली का डिटेल भाव परक जानना हो तो दौलत राम जी कासलीवाल के द्वारा भाव दीपिका लिखी गई है, उसका स्वाध्याय आपको करना चाहिए। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक का भाव परक जो कथन है वो आपको भाव दीपिका नामक ग्रंथ में मिलेगा। और कोई प्रश्न किसी को? चलिए, सीमा जी कह रहे हैं कि स्पर्धक के बारे में हमें डिटेल से पढ़ाइए, तो ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है। मैंने आपको बताया ना, आप पेज नंबर 59 तो पेज नंबर 41 से पढ़िए और प्रश्न नंबर 59 से, तो इसमें ये सारा विषय कवर हो जाता है। स्पर्धक, अगर आपको मैंने संक्षेप में तो बता ही दिया, स्पर्धक माने होता है कर्म परमाणुओं की फॉर्मेशन। स्पर्धक बनती है वर्गणाओं से, आपने सुना होगा ना, कारमाण वर्गणा है, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, ये सब वर्गणाएं सुनी ना, वर्गणाएं वर्गों से बनती है। तो ये स्पर्धक होते हैं देशघाती, सर्वघाती, जो एक देश घात करे वो देशघाती, जो सर्व देश घात करे वो, हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है। सर्वप्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को अगर कोई सम्यक्त होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व ही होगा। और कोई प्रश्न? चलिए, फिर अपन कक्षा समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय, जैन धर्म की जय।